तो हेलो नमस्कार, मेरी प्यारे किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे किसान भाइयों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा यानी फसल पंजीकरण हरियाणा, अगर आप अपनी फसल को ऑनलाइन करवाते हैं तो आपको अनेक प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है। चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। तो किसान भाइयों, आपको पता है कि हरियाणा सरकार ऑनलाइन फसल पंजीकरण के माध्यम से फसल खरीदती है, यानी किसान भाइयों, हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल ओपन करवा रखा है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जिसके माध्यम से आप अपनी फसल को पंजीकरण करवा सकते हैं। और ऑनलाइन अगर आप पंजीकरण करवा लेते हैं तो जो आपकी फसल है उसकी बिक्री मंडी में होती है। और किसान भाइयों, अगर आप अपनी फसल को ऑनलाइन करवाते हैं तो समय पर आपकी फसल की बिक्री होती है मंडी में। जैसे ही आपका नंबर आता है, आपकी जो फसल है वो मंडी में जल्द से जल्द चली जाती है। अब किसान भाइयों, इसके अलावा भी फसल ऑनलाइन के अनेक प्रकार के फायदे हैं। अगर आप अपनी फसल को ऑनलाइन करवा लेते हैं और बाय चांस किसी प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी फसल में नुकसान हो जाता है तो हरियाणा सरकार ने इसके लिए मुआवजा भी रखा है, यानी फसल खराबी का ऑप्शन पोर्टल पर दे दिया है। जहां पर आप अपनी फसल को ऑनलाइन करवाते हैं वहीं पर नीचे आपको फसल खराबी का भी ऑप्शन दे रखा है, वहां पर जाकर आप फसल खराबे के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर आपकी फसल में कोई नुकसान हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, विभिन्न प्रकार की कृषि योजनाएं हैं जिनका लाभ भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण होने के बाद ही आपको दिया जाता है, चाहे फसल खराब हो। और भी बहुत सी योजनाएं हैं जो हरियाणा सरकार तभी आपको देगी जब आपकी फसल ऑनलाइन आपने करवा रखी होगी। और किसान भाई, अगर आपको मुआवजे का लाभ लेना है, क्योंकि किसान भाइयों कई बार क्या होता है, हमारी जो फसल है वो खराब हो जाती है, और मैं भी एक किसान परिवार से हूं, और जब हमारी फसल खराब होती है तो कितना नुकसान उठाना पड़ता है वो मैं भी जानता हूं। और किसान भाइयों, अगर हमने फसल ऑनलाइन करवा रखी होगी तो हम हमारी फसल को मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं, हमारी फसल का ऑनलाइन मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं, और फिर जो पटवारी है वो हमारी फसल की गिरदावरी करके आगे रिपोर्ट सेंड कर देता है, और जितना भी नुकसान होगा उस हिसाब से हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। और किसान भाइयों, अगर आपकी फसल बिल्कुल खराब हो जाती है तो प्रति एकड़ 15,000 रुपए आपके खाते में जो राशि है वो ट्रांसफर की जाएगी। पहले हरियाणा सरकार ने जो मुआवजा है वो 12,000 रखा था, लेकिन इसकी जो राशि है वो बढ़ा दी गई थी और इसकी जो राशि है अब 15,000 प्रति एकड़ कर रखी है अगर आपकी फसल 100% खराब हो जाती है, और नीचे जितनी भी परसेंट रहती है उस हिसाब से आपको इस राशि में से जो राशि है वो दे दी जाती है। किसान भाइयों, आप अपनी फसल को ऑनलाइन करवा लीजिए। अगर आप ऑनलाइन नहीं करवाते हैं तो इन सभी योजनाओं से आप वंचित रह जाएंगे, फिर आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, चाहे वो फसल मुआवजा हो, चाहे वो किसी प्रकार की स्कीम हो, या फिर आपकी जो फसल है वो मंडी में बिकने की बात हो। अगर आपकी फसल ऑनलाइन होती है तो समय पर आपकी जो फसल है वो मंडी में बिक पाएगी और आपको इससे फायदा होगा, आपका समय बचेगा, आपका काम होगा, और अच्छे रेट पर आपकी जो फसल है वो चली जाएगी जो भी हरियाणा सरकार ने तय कर रखा है। अब किसान भाइयों, अगर आपने अपनी फसल को ऑनलाइन नहीं करवाया है तो आपके पास अभी भी सुनहरा मौका है। बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि आपको पता होगा कि 31 जनवरी को जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो थे वो बंद हो चुके थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने वो रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से आपके लिए ओपन किए थे, और अब इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है वो दोस्तों 15 फरवरी रखी गई है। अगर आपने अभी तक फसल पंजीकरण नहीं करवाई है तो आज का दिन और 2 दिन आपके पास और है, जल्द से जल्द आप अपनी फसल को ऑनलाइन करवा लीजिए या कर लीजिए। करना कैसे है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप अपनी फसल को भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको फोन चलाना नहीं आता है या आप ऑनलाइन अपनी फसल को ऑनलाइन नहीं कर सकते तो आपको
क्या करना है, आपको चले जाना है नजदीकी सीएससी सेंटर और वहां पर जाकर आप अपनी फसल ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, यही जानकारी आपको देनी थी। अगर जानकारी में आपको कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन या मैसेज आप तक पहुंच पाए और उस वीडियो को आप क्लिक करके देख पाए। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवाहर, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों।